नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं तुलसी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में विदेशियों के साथ अलग ही अंदाज में मनाई गई होली। इस अवसर पर अलग अलग देशों से आए लोगों ने पानी बचाने के संदेश के साथ पर्यावरण के अनुकूल एक दूसरे को रंग लगाकर एकता एवं भाईचारे का दिया पैगाम। वही शांतिवन परिसर के विशाल डायमंड हॉल में हजारों लोगों की उपस्थिति में संस्थान की वरिष्ठ दादियों समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी मनाया होली का त्योहार। सभी ने दी अपनी शुभकामनाएं। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर भी अलौकिक अंदाज में मनाया गया पर्व। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सभी अतिथियों का किया स्वागत। रिम्स के निदेशक डॉक्टर डी के सिंह, नागरमल मोदी सेवा सदन के अध्यक्ष राजेंद्र सरावगी समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने रखे अपने विचार। होली विविधता में एकता का प्रतीक है। सभी लोग देखिएगा, चाहे किसी भी धर्म के हो, होली में एक दूसरे से समान व्यवहार करते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है और मानसिक स्वास्थ्य ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। होली एक हार्दिक पर्व है, खुशी का पर्व है, एक दूसरे मिलने जुलने का पर्व है, इनको खुशी से मनाइए। एक अर्थ है पास जिसको कहते हैं बीती सो खत्म हुई, तो जब बीती खत्म हुई तो वर्तमान को हम श्रेष्ठ कर्म ही वर्तमान में करें और बीती को भूल जाएं। इसी तरह देश के अन्य कई हिस्सों में भी सादगीपूर्ण मनाया गया होली का त्योहार। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र में बीके सदस्यों ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। दिल्ली के उत्तम नगर और हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्रों पर स्नेह मिलन कार्यक्रम अलौकिक रीति से मनाई गई खुशियां। सभी बीके सदस्यों ने लिया मन वचन कर्म से पवित्र रहने का संकल्प। महाराष्ट्र शासन आरोग्य सेवा एवं ब्रह्मकुमारी के संयुक्त प्रयास से कैंसर मुक्ति अभियान की मुंबई के थाने में सार्थक पहल। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री एकनाथ शिंदे और मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी के कर कमलों से हुआ उद्घाटन। फॉक्सी की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर शुभधा नील ने महिलाओं में होने वाले कैंसर को जड़ से दूर करने के लिए जीवन शैली में बदलाव के दिए कई सुझाव। थाने की महापौर मीनाक्षी शिंदे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल सोनावने, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सेवा के सह संचालक डॉक्टर साधना ताइडे, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मनीष रेंगे, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लतिका भी रही मौजूद। भोपाल में स्वर्णिम भारत निर्माण में मीडिया की भूमिका पर परिचर्चा। मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, स्वदेश समाचार प्रमुख एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा, शिव अनुराग पटेलिया, न्यू 18 मध्य प्रदेश प्रमुख प्रवीण दुबे, राजी खुशी के संपादक प्रोफेसर कमल दीक्षित, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवदेश, गॉडलीवुड स्टूडियो के न्यूज विभाग के हेड बीके कोमल, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। समाज के नवनिर्माण में मीडिया की भूमिका पर मीडिया क्षेत्र के जानकारों ने की चर्चा। जो कलेक्टर, मैं समझता हूँ कि पूरा पत्रकारिता का निचोड़ है जो आज के युग में भी सार्थक हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो पतन हुआ है, यदि भी बाकी हुआ है तो समाज का हुआ है और मीडिया उसका एक अंग है। समाज में कुछ निर्माण करने के लिए, कुछ रचनात्मक काम करने के लिए, जनता के हित में खड़े होने के लिए हमने यह मार्ग चुना। तो समस्त मीडिया वाले भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि भाग्य विधाता भगवान ने नंबर 1 में आपका सिलेक्शन किया है। आप सिलेक्टेड आत्माएं हो, अपने सौभाग्य में तालियां बजाइए अपने लिए। बेटर मीडिया ठान ले कि संसार को स्वर्णिम संसार अर्थात ऐसा संसार बनाना है जो हमारी कामनाओं का संसार है, जहाँ कोई दुख द्वेष वगैरह इत्यादि ना हो।
कोलकाता में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में महिलाओं के लिए फोरम ऑफ वुमेन इन पब्लिक सेक्टर विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, ब्रह्मा कुमारी इसको मुख्य वक्ता के रूप में किया आमंत्रित। राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रा ने स्व सशक्तिकरण पर दिया जोर। कार्यशाला की अंतिम कड़ी में सभी को कराया राजयोग का अभ्यास, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया लाभ। अपने पैरों को हल्का छोड़ दें, अपने हाथों को हल्का छोड़ दें, फोकस करें अपने ब्रीदिंग के ऊपर, अपने ही रोल को हम अच्छा बना लें तो किसी को अपना रोल चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अलीगढ़ में ताला नगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन द्वारा होली महोत्सव कार्यक्रम, ब्रह्मा कुमारीज के सत्यदाम गीता पाठशाला के बीके सदस्यों को विशेष निमंत्रण, शिव ध्वज फहराकर किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। बीके कमलेश ने बताया होली का आध्यात्मिक रहस्य। एसोसिएशन के अध्यक्ष नेकराम शर्मा, महामंत्री सुनील दत्ता, बीके सत्यप्रकाश मुख्य रूप से रहे उपस्थित। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र पर छोगाराम देवासी कॉरपोरेट क्लब, भारतीय जीवन बीमा निगम और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान से लगा 112वां निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। पालिका अध्यक्ष देवासी ने सभी से अपनी कमाई का कुछ भाग ऐसे पुनीत कार्य में लगाने की अपील। बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने शिविर का लिया लाभ, चिकित्सकों ने जांच कर दिया उचित परामर्श। ऐसे ही ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र पर भी लगा निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर, जांच कराने पहुंचे 100 से भी अधिक लोग, डॉक्टर्स ने जांच कर परामर्श के साथ दी निशुल्क दवाइयां। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श एवं राजयोग शिक्षक बीके प्रल्हाद ने डॉक्टर्स का किया धन्यवाद। मध्य प्रदेश के उज्जैन सेवा केंद्र पर 4 दिवसीय मधुर मधुमेह कैंप का पूर्व ऊर्जा मंत्री पारस चंद्र जैन ने किया शुभारंभ। माउंट आबू से आए डॉक्टर वत्सलन नायर ने बीमारी का कारण जीवन शैली में आई तमो प्रधानता को बताया। 4 दिनों तक प्रॉपर डाइट और राजयोग मेडिटेशन के प्रयोग से किया गया उपचार। मुंबई मलाड के लिबर्टी गार्डन में सामूहिक राजयोग ध्यान साधना कार्यक्रम, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, मलाड सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके कुंती समेत टीवी अभिनेता किंचुक वैद्य, नितिन गोस्वामी तथा प्राची ठक्कर ने की शिरकत। बीके दिव्य प्रभा ने ब्रह्मा बाबा समान अपनी स्थिति बनाने के लिए अपने नेचर में शुभ भावना देने के संस्कार को धारण करने की कही बात। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने राजयोग अभ्यास कर विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। वहीं फिल्म जगत की आई हुई हस्तियों ने अपने अनुभवों को साझा किया और गॉड ऑफ गॉड्स फिल्म की सफलता के लिए दी शुभकामनाएं। हर कोई अपनी कहानी कहना चाहता है एंड जब आप ऐसी कहानी कह रहे हैं जो खुद परमात्मा से रिलेटेड है तो आई थिंक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कि भगवान हर जगह फिर भी हम मंदिर जाते हैं, हवा हर जगह फिर भी हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है, तो पर्टिकुलर एक अच्छी जगह की ज़रूरत पड़ती है मेडिटेशन करने के लिए। आप आइए और अभी अभी हम लोगों की एक मूवी रिलीज़ हुई है गॉड्स ऑफ गॉड, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, ऑल द बेस्ट बोलूँगा, ऐसी मूवीज़ आती रहें आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, और हमें भी इंस्पायर करती रहें और ऐसे बस आगे बढ़ते रहें। मेरी पूरे ब्रह्म कुमारी परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि उनकी ये फिल्म गॉड ऑफ गॉड्स बहुत ही सक्सेसफुल रहे, आपको पसंद आए और आप सबकी शुभकामनाएं उनके साथ। नमस्कार। गाजियाबाद के लोनी रोड स्थित स्मिथ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में नए वर्कप्लेस और नई मशीनों का हुआ शुभारंभ। दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र की बीके बहनों को उद्घाटन के लिए किया गया आमंत्रित। स्मिथ इंडस्ट्री के चेयरमैन पीके जैन, प्रेसिडेंट शेर सिंह, टेक्निकल डायरेक्टर भार्गव मुख्य रूप से थे मौजूद और बीके बहनों का किया धन्यवाद। नेपाल के हनुमान नगर में नवनिर्मित ओम शांति भवन का सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह ने किया उद्घाटन। समाज सेवी हरिबाबू, बीके भगवती भी रही मौजूद। पब्लिक प्रोग्राम का भी हुआ आयोजन। नवल किशोर शाह ने कहा भविष्य में शांति प्राप्त करने का बनेगा स्थल। अलीगढ़ के हरदुआगंज में होली महोत्सव कार्यक्रम, बीके कमलेश ने होली यानी पवित्र बनने की कही बात। चकबंदी अधिकारी रमेश सिंह ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय को बताया धरती पर स्वर्ग। अंत में सदा प्रभु के रंग में रंगे रहने की भावना के साथ लगाया गुलाल और भेंट की ईश्वरीय सौगात।
इंदौर के ओम शांति भवन में महिलाओं के लिए आयोजन। इंदौर जोन प्रभारी बीके आरती ने महिलाओं से आध्यात्मिक गुणों से जीवन संवारने की करी अपील। शहर की कई जानी मानी महिलाएं रही मौजूद। ओडिशा के रियू गांव में कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा निकाला गया व्यसन मुक्ति अभियान। स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। प्रोजेक्टर द्वारा समझाए व्यसन के दुष्प्रभाव। ग्राम वासियों में जागरूकता लाने का प्रयास। बिहार के सहरसा सेवा केंद्र द्वारा ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले का आयोजन। शिव दर्शन आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार झा ने किया उद्घाटन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहा ने निराकार परमात्मा शिव से गुणों और शक्तियों से झोली भरने के लिए राजयोग का अभ्यास करने का किया आह्वान। कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी किया मेले का अवलोकन। मुंबई के वसई सेवा केंद्र के सदस्यों ने विश्व शांति के लिए किया राजयोग ध्यान। वातावरण में फैलाए शांति के प्रकंपन। भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर में सेवा केंद्र की मनाई गई 25वीं सालगिरह। माउंट आबू से संस्था के धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ विशेष तौर पर हुए उपस्थित। इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन। जस्टिस रघुवीर दास, ओएचआरसी के मेंबर जगदानंदा, कटक सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप, भुवनेश्वर सबजोन प्रभारी बीके लीना, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दमयंती विशेष रूप से रही मौजूद। इस अवसर पर अतिथियों ने ईश्वरीय सेवाओं की रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का भी किया आह्वान। इस कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को दिया गया ईश्वरीय संदेश। वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र द्वारा मनाई गई होली। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने कहा कि जीवन की हर परिस्थिति को होली अर्थात बीती को बीती कर बढ़े आगे। मुंबई के शकिलम फाउंडेशन, श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट तथा प्रगति मित्र मंडल के संयुक्त तत्वाधान में मलाड पश्चिम के ठक्कर हॉल में संबंधों में सुमधुरता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। मन के संतुलन से समाधान पर चर्चा। इस पर अपना वक्तव्य देते हुए मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती ने उदाहरण के माध्यम से सभी को समझाया कि मन के संतुलन को बनाए रखने से सभी काम संभव हो जाते हैं और संबंधों में भी समरसता रहती है। हमारे मन के संतुलन बिगड़ता कब है? जब हमारे मन का संतुलन नहीं रहता है। मन भी हमारा बैलेंस में चाहिए ना। संबंध भी बने रहते हैं, संबंधों में भी मिठास रहती है और काम भी हो जाता है। तो बस आवश्यकता है हर एक के साथ हम प्यार से और मुस्कुरा करके जीवन के अंदर चलें। इस अवसर पर प्रगति मित्र मंडल के मैनेजिंग कमेटी के भानुभाई शाह तथा ट्रस्टी निरंजन सेठ, सीए आनंद मेहता समेत अन्य कई गणमान्य लोगों को बीके कुंती ने धार्मिक प्रभाग की स्मारिका की भेंट। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के विशिष्ट नागरिक रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के भिलाई में अंतर दिशा के पीस ऑडिटोरियम में स्थानीय सेवा केंद्र और संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से आए मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। शिविर में डॉक्टर श्रीमंत साहू ने न केवल सभी को शारीरिक व्यायाम करवाया बल्कि मानसिक व्यायाम के लिए सोच का सकारात्मक होना बताया आवश्यक। स्वस्थ जीवन शैली के लिए सभी से श्रेष्ठ परिवर्तन लाने की अपील। 2 दिवसीय शिविर में बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने लिया लाभ। झारखंड के रांची स्थित न्यूक्लियस मॉल में गॉड ऑफ गॉड्स के मूवी प्रीमियर पर कई धर्मों के लोग हुए शामिल। योगदा सत्संग सोसाइटी से स्वामी हितेशानंद तथा स्वामी सत्संगानंद, ग्रंथी के हेड विक्रमाजीत सिंह, आर्य बिशप हाउस के फादर डेविड तथा जीईएल चर्च के वाइस प्रेसिडेंट एसएस तर्की और सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला मुख्य रूप से रही उपस्थित। उसका शुभ आरंभ है जो हमें विशेष संदेश देती है कि वो परमात्मा भगवान अल्लाह ईश्वर सब एक ही है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के संबंधे एक नूर के शब्द गुट गया कौन भले को मंदिर। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं।
समाज जो सच्चाई है उससे दूर भटकते चली जा रही है, और इसलिए ये जो सिनेमा है, जो मूवी है, ये हमारे लिए सही रास्ता दिखाने के लिए एक जरिया है। अगर इसको हम सही मायने में, अर्थ में अगर हम देखेंगे तो सचमुच हम ईश्वर को पहचान पाएंगे, उसी ईश्वर को जिसने हमें बनाया, हमें रास्ता दिखाया एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए मैं चुका हूँ, और एक अच्छा धार्मिक जीवन जीने के लिए हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। 15 मिनट में 50 खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।